नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा भाई बाबा राम रहीम जी के बारे में। हम सीधा लोगों से के बीच में पहुंच रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं लोगों से। का नाम क्या है? सुभाष कुमार। कुमार जी, क्या कहना चाहोगे आप बाबा राम रहीम जी को लेकर? एक सच्चे संत है, इससे हमारे लिए इससे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़े हैं हमारे लिए। तो हमारी सारी जिंदगी बदल दी। मेरा 20-22 साल से नाम जप रखा है, जब से नाम लिया है मेरे को कोई तकलीफ नहीं। और क्या किया है बाबा राम रहीम जी ने समाज के लिए? समाज के लिए तो इतना काम किया है जो मैं बताऊँ ना तो शाम हो जाएगी। अब ऐसे तो सारी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, जो नहीं जानते वो अनाड़ी है, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। मीडिया ने तो कुछ और ही दिखाया, आप कुछ और बता रहे हो, क्या कहना चाहोगे, क्या सच्चाई है? वो तो जैसे समझ लो भी बिकी हुई है, जैसे कोई बदल गया उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारे लिए तो परमात्मा है, परमात्मा रहेगा तो जब तक जिएंगे तो हम इनका ही नाम लेंगे। कितना विश्वास करते हो आज उन पर? पूरा पूरा फुल विश्वास करता हूँ, मरते दम तक करेंगे। और लोगों को क्या बताना चाहोगे बहन बेटियों के बारे में, लड़कियाँ क्या सुरक्षित हैं डेरा सच्चा सौदा? पूरी फुल हूँ, तुम अजकल देख लो लोग दारू पीते ने रास्ते तुरे आते ने, कुड़ियाँ छेड़ते ने, जो कोई भी करते, साढ़े जो नाम परमात्मा ने लिता माता मालिका का, वो यह जहाँ काम ना तो जिंदगी करे ना वो मरद तक कर सकता, ये सू पूरा पूरा पक्का विश्वास है। और लोगों को डेरा सच्चा सौदा के बारे में, बाबा राम रहीम जी के बारे में क्या बताना? मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा है, इससे ऊपर तो कोई चीज़ है नहीं। जैसे कहते हैं ना परमात्मा, परमात्मा यही है, कोई किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता, सारे बंदे को नहीं दिखता, जो आँखों में पट्टी डाल लेते हैं उसको नहीं दिखता। हमारे हिसाब से परमात्मा है, कोई देखे सच्चे मन से तो दिखेगा। आज इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग विश्वास कर रहे हो, इतना विश्वास क्यों बना आपका? विश्वास जैसे हम हमारे ऊपर बीजती है ना, हमको ही मालूम है, जो गुड़ जो भी कोई चीज़ खाएगा उसको उसका स्वाद पता ही लगेगा, दूसरे को नहीं पता लगेगा। जिसको मालूम है ये परमात्मा है, जैसे परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान से माता सीता पर लोगों ने कलंक लगाया था ना, कई बंदे उस टाइम पर भी कलंक लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? सारी दुनिया हर प्रकार की दुनिया है, जे कुछ चंगे लोग हैं तभी तो ये धरती चल रही है, जैसे सारे माड़े हो जाते तो धरती गर्क जाती, आज हम सारे गर्क में होते। ऐसे कुछ परमात्मा के साडे महाराज जी दे जीव है जो धरती चल रही है, इसी के कारण ही चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखियो, इन्होंने बताया कि हम इतने लंबे समय से जा रहे हैं, हमने कभी वहाँ कुछ गलत नहीं देखा, ये वो लोग हैं जो आज भी बाबा राम रहीम जी को अपना भगवान मानते हैं, उसी आस्था उसी विश्वास से आज भी जुड़े हुए हैं। दुनिया चाहे इनको कुछ भी कहती है, लोग चाहे इनको कुछ भी कहते हैं, लेकिन इनकी आस्था आज भी दृढ़ है। आप लोग सोचिए, एक तरफ इन लोगों की आस्था, एक तरफ जो मीडिया ने दिखाया वो, आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जुड़े रहिए सच्ची बातें जानने के लिए, सच्ची खबरें जानने के लिए द फैक्ट टाइम के साथ।